ये कहानी एक खूबसूरत सी आशियाने की है, जहाँ बहुत सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना रखा था। सारे पक्षी इस आशियाने में काफी खुश थे, पर एक दिन अचानक एक लोमी चिड़िया इस आशियाने में आकर बस जाती है। वो लोमी चिड़िया एक चुड़ैल चिड़िया थी, जो चिड़िया और उनके बच्चों को मारकर उनकी आत्मा निकाल लेती थी। लेकिन आशियाने के सारे पक्षी इस बात से अनजान थे कि उनके आशियाने में जो लोमी नामक चिड़िया आई है, वो एक भूतिया चुड़ैल चिड़िया है। एक दिन सवेरे, अरे कौवे भाई, आपको पता है हमारे आशियाने में एक लोमी नामक चिड़िया आकर बस गई है। उसने पीपल के एक पेड़ पर अपना बड़ा सा घोंसला बना लिया है और वो अकेली ही इस घोंसले में रहती है। हाँ कोयल बहन, मैं भी कब से यही विचार कर रहा हूँ कि आखिर ये चिड़िया इस आशियाने में अचानक कैसे आ गई, और इस चिड़िया का तो कोई परिवार भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो अकेले ही उस पीपल के पेड़ पर रहती है। हमें जंगल के सारे पक्षियों को ये संदेश देना चाहिए कि सारे पक्षी मिलकर उस चिड़िया के बारे में पता करें कि वो कहाँ से आई है। अच्छा कौवे भाई, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा कार्य है। मैं आपसे बाद में मिलूंगी, तब तक आप आशियाने के सारे पक्षियों को ये संदेश दे दो। हाँ कोयल बहन, मैं सभी पक्षियों को ये संदेश दे दूंगा। ये कहकर मीनल कोयल वहाँ से उड़कर चली जाती है। यूं ही दिन बीत जाता है। रात का समय एक मीनू चिड़िया एक पेड़ पर अकेले बैठी हुई थी, तभी वहाँ लोमी चुड़ैल चिड़िया प्रकट होती है। अरे चिड़िया बहन, आप कौन हो? आपको तो कभी आशियाने में मैंने नहीं देखा। कहीं दूर से आई हो क्या आप, या रास्ता भटक गई हो? चिड़िया बहन, मैं अभी अभी आशियाने में आई हूँ। क्या मैं तुम्हारे संग तुम्हारे घोंसले में रह सकती हूँ? मेरा घोंसला थोड़ा टूट गया है और उसमें सही से सोया भी नहीं जा रहा। क्या एक रात के लिए मुझे आपके घोंसले में पना मिल सकती है? मैं सवेरे होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। चिड़िया बहन, आप अपने घोंसले को ठीक कराइए ना, मेरा घोंसला तो कितना छोटा है, इसमें सिर्फ एक ही पक्षी की सोने की जगह है। अगर आप यहाँ आ जाओगी तो मैं कहाँ सोऊंगी? तभी लोमी चिड़िया अपने असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है, जिसे देख मीनू चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो चुड़ैल है। मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुम्हारी आत्मा निकालने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? बुरा तो मेरा किसी ने भी नहीं किया है। मैं ही एक ऐसी चुड़ैल हूँ जो हर किसी का बुरा करती हूँ, और मैं इस आशियाने के सारे पक्षियों को मारकर उनकी आत्माओं को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। इसलिए मैं इस आशियाने में आकर बस गई हूँ। मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना। तभी लोमी चुड़ैल चिड़िया मीनू चिड़िया को मारकर उसकी आत्मा को अपने वश में करके वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चली जाती है। अगले दिन सवेरे जंगल के सारे पक्षी मीनू चिड़िया की लाश देखते हैं, तो सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। अरे ये मीनू चिड़िया को किसने मारा? लगता है हमारे आशियाने के बाहर से कोई राक्षस पक्षी ने ही मीनू चिड़िया की हत्या कर दी है। सारे पक्षी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सब अपने अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। यूं ही सारा दिन बीत जाता है। रात का समय बंदू कौवा आशियाने के बाहर से अपने घोंसले की ओर आ रहा था, तभी लोमी चिड़िया उसके सामने प्रकट होती है। अरे चिड़िया बहन, आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? परेशानी मुझे नहीं है कौवे, परेशानी तो मैं अब तुम्हारे बढ़ाने वाली हूँ अब। मैं कुछ समझा नहीं चिड़िया बहन, आप क्या कह रही हो? तभी लोमी चिड़िया अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर बंदू कौवे के होश उड़ जाते हैं। अरे 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 बाप रे, ये क्या बन गई? ये तो चुड़ैल है। क्या हुआ, मेरा असली अवतार देखकर होश उड़ गए? मुझे कुछ मत करना चुड़ैल, मुझे मत मारना। तुझे मैं मारकर तेरी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगी।
लोमी चुड़ैल चिड़िया बंदू कौवे को भी मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल चिड़िया हर रोज रात में एक एक पक्षी को मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ लेके जाने लगी। सारे पक्षी उस चुड़ैल के कहर से परेशान हो गए थे। एक दिन सवेरे आशियाने के सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होते हैं। पक्षियों, आए दिन हमारी आशियाने में बहुत सी घटनाएं हो चुकी है जिसमें कई सारे पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर कौन है जो हमारी आशियाने के पक्षियों को रोज मार रहा है। मुझे तो लगता है हमारी इस आशियाने पर कोई भूतिया चुड़ैल का साया आ चुका है। हमें किसी तांत्रिक पक्षी को हमारी इस आशियाने में बुलाना होगा, अब वही हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। सारे पक्षी मंजू चिड़े की बात मानकर एक तांत्रिक पक्षी को अपने आशियाने में बुलाते हैं और मंजू चिड़ा तांत्रिक पक्षी को सारी बात विस्तार से बताता है। तुम्हारे इस आशियाने में एक चुड़ैल पक्षी प्रकट हो चुकी है और वही चुड़ैल पक्षी रोज रात को पक्षियों को मारकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जा रही है। तांत्रिक पक्षी, तो आप हमें कोई उपाय बताइए, कैसे हम उस चुड़ैल चिड़िया से बच पाए और आप उसे पकड़ कर उसका सर्वनाश कर दीजिए। वो चुड़ैल पक्षी बेहद खतरनाक है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसे सिर्फ आग से खत्म किया जा सकता है। उसे मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। आज रात होने से पहले सारे पक्षियों को अपने अपने चोंच में लकड़ी लेकर आशियाने के अलग अलग पेड़ों में छुपकर बैठना होगा और एक पक्षी को आशियाने को बीचे बीच खड़ा करना होगा ताकि जब वो चुड़ैल पक्षी यहाँ आए और चुड़ैल उस पक्षी को मारने की जरूर कोशिश करेगी, तभी सारे पक्षी मिलकर अपने चोंच में रखी लकड़ी को जलाकर उस चुड़ैल पक्षी के ऊपर फेंकेंगे, जिसके कारण चुड़ैल पक्षी वहीं जलकर भस्म हो जाएगी। तांत्रिक पक्षी ये बात सुनकर सारे पक्षी रात में होने से पहले ही अपने चोंच में एक एक लकड़ियां लेकर अलग अलग पेड़ पर छुप जाते हैं और एक पक्षी को आशियाने के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। तभी रात के समय वो चुड़ैल लोमी चिड़िया वहाँ प्रकट होती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। देखो पक्षियों, वो चुड़ैल पक्षी आ चुकी है। हमें तुरंत अपने पास की लकड़ी को जलाकर उस चुड़ैल पक्षी के ऊपर फेंकना होगा। सारे पक्षी अपने चोंच में ली लकड़ी को जलाते हैं और उस लोनी चुड़ैल चिड़िया के ऊपर फेंकते हैं, जिसके कारण वो चुड़ैल चिड़िया वहीं जलकर भस्म हो जाती है। इसी तरह आशियाने के सारे पक्षियों की सूझबूझ और हिम्मत के कारण ही उस चुड़ैल चिड़िया का खात्मा हो पाया और आशियाने के सारे पक्षी उस चुड़ैल चिड़िया के कहर से बच गए।